हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? लेट्स लर्न सम अमेजिंग वर्ड्स टुडे। दोस्तों, आज कुछ बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी सीखेंगे साथ में मिलकर के। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े स्पीकर्स ने यूज़ किए हैं, जैसे शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी की इंग्लिश को सब जानते हैं कि कितनी कमाल की इंग्लिश बोलते हैं, या बेन शापिरो जो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, फॉरेन मीडिया में अक्सर आपको दिखाई देते होंगे। तो इनके द्वारा यूज़ किए गए वर्ड्स आपको बता रहा हूँ। पहला जो वर्ड है, ये आज शशि थरूर जी ने आज से कुछ ही दिनों पहले यूज़ किया था। किसके लिए यूज़ किया था ये गेस करना आपका काम है। मैं आपको वर्ड बताता हूँ, उसकी मीनिंग बताता हूँ। तो पहला वर्ड है दोस्तों आज का, स्नॉलीगोस्टर। SNOLLYGOSTER, स्नॉलीगोस्टर। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है अ पर्सन हु इज श्रूड एंड अनप्रिंसिपल्ड, स्पेशली अ पॉलिटिशियन, या अ श्रूड अनप्रिंसिपल्ड पर्सन स्पेशली अ पॉलिटिशियन। एक धूर्त आदमी, बिना सिद्धांत का आदमी, सिद्धांतहीन, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी इस पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी में चले गए। तो ऐसा इंसान, और जो खास करके एक राजनेता भी हो, या अ पॉलिटिशियन हु लुक्स ओनली फॉर पर्सनल गेन्स, ऐसा राजनेता जो सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखता हो, उसको देश दुनिया से, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान को कहते हैं स्नॉलीगोस्टर। अब शशि थरूर जी ने यूज़ किया, किसके लिए यूज़ किया वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, स्नॉलीगोस्टर का ये मीनिंग है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं ऑल द स्नॉलीगोस्टर्स शुड बी थ्रोन आउट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में जितने भी इस तरह के लोग हैं, धूर्त, अवसरवादी, जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ऐसे सब लोगों को भारतीय राजनीति से बाहर फेंक देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज का दूसरा वर्ड है दोस्तों जेलटॉलॉजी, GELOTOLOGY। जेलटॉलॉजी एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है द स्टडी ऑफ लाफ्टर और ह्यूमर ऑन ह्यूमन बॉडी। जो हंसी मजाक जो होता है, हंसी का या हास्य का मनुष्य के शरीर के ऊपर, इंसान के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये जो स्टडी होती है, इसकी जो पढ़ाई होती है, इसको कहते हैं जेलटॉलॉजी। तो दोस्तों, ये वर्ड बेन शापिरो ने अभी कुछ ही टाइम पहले यूज़ किया था, तो मैंने सोचा आपको ये वर्ड बता। आज का तीसरा वर्ड है दोस्तों फैगोसाइटोसिस। इसकी स्पेलिंग बता दूँ आपको, PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस। इसकी मीनिंग क्या है, ये भी एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है अ प्रोसेस थ्रू विच अ सेल, समथिंग लाइक अ वाइट ब्लड सेल, इंजेस्ट्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर सेल्स और फॉरेन पार्टिकल्स। यानी मीनिंग है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत एक वाइट ब्लड सेल जो होता है वो दूसरे सेल्स को खा जाता है। बॉडी में, शरीर के अंदर एक वाइट ब्लड सेल अगर दूसरे सेल्स को या छोटे छोटे पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को अगर खा जाए, निगल जाए, ख़त्म कर ले, तो इसी को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और आज का अगला वर्ड है दोस्तों फेस्टून, FESTOON। फेस्टून एक वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है टू डेकोरेट अ रूम और सम अदर प्लेस विद कलर्ड पेपर, लाइट्स। जैसे मान लेते हैं कहीं पर कोई ओकेजन है, कोई अवसर है, कोई फंक्शन है, और उस जगह को हम सजाते हैं ना, हम कलर्ड पेपर से सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, चारों तरफ से उसको सजाते हैं, इस सजाने को फेस्टून कहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं द रूम वॉज फेस्टूनड, या दैट प्लेस वॉज फेस्टूनड विद कलर्ड पेपर एंड लाइट्स। इस तरीके से दोस्तों इस वर्ड को यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, यही आज के वर्ड्स थे। अगर आपको इस तरह के वर्ड्स आगे भी सीखने हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपको बना के देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इन वर्ड्स को सीख सकें और इनको यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।